हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करें 10th से। क्या 10th के अलावा कोई दूसरा चैप्टर ऐसा हो सकता है जिससे शुरुआत करनी चाहिए सिलेबस की? हाँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। हाँ बढ़िया। नहीं, बोल लेने दो, उसका मन का इसका निकल जाए जहर। तो बेटा अपने मन का जहर निकाल ले और बता, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट और नाउन। बिल्कुल, और क्यों नहीं। हाँ नाउन भी, और ये जितने नाउन और सब्जेक्ट एलिमेंट से शुरुआत करने वाले होते हैं ना, ये सब रटने वाले होते हैं। सही कह रहा हूँ। वर्ब ठीक चैप्टर होता है, जैसे किसी ने कहा ना वर्ब, तो वर्ब वास्तव में सही चैप्टर होता है, क्योंकि वर्ब चैप्टर जो होता है ना, वो एक तरीके से एक सेंट्रल रोल प्ले करती है वर्ब हमारे सेंटेंस में। तो वर्ब से तो खैर शुरुआत करना लॉजिकल होता है, लेकिन पता क्या, जिस तरीके से हम वर्ब पढ़ते हैं ना यहाँ पे, जो वर्ब के जो यूजेस हमारे कॉम्पिटिशन के सिलेबस में आते हैं, उनको समझने के लिए हमें टेंस के कुछ यूजेस होते हैं वो पहले से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, या यूं कह लो कि मैं जिस तरीके से वर्ब चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं, तो मुझे टेंस के रेफरेंसेस वहां पे यूज करने पड़ते हैं, इसलिए मैं टेंस पहले बाद में वर्ब पढ़ाता हूं। नहीं तो वर्ब जो है वो चैप्टर वास्तव में अच्छा हो सकता है शुरू में पढ़ाने के लिए। नाउन और ये क्या नाम तुम्हारे सब्जेक्ट और इवेंट, ये पागलों की चोचले हैं भैया, ये बढ़िया चैप्टर होते हैं, पहली क्लास में कैसे भी नहीं पढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये सब रटने वाली चीजें होती हैं ज्यादातर। ठीक है, इसमें होता है क्या, जादू होते हैं छोटे छोटे, वो जादू निकाल के बच्चे के सामने रख दिया, वाटर ये है वाटर सी है, अरे बच्चा लट्टू। ठीक है, उसको बता दिया ये पेपर है पेपर से, बच्चा लट्टू। ठीक है, अ नंबर ऑफ के साथ ही आएगा, द नंबर ऑफ के साथ ही आएगा, बच्चा लट्टू। लेकिन वो लट्टू ज्यादा देर घूमता नहीं है, फिर वो गिर जाता है। तो वो जो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फलाना ढिमकाना, वो बड़ी बेसिक सी बात है, आप डिटर्मिनर पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो कोई जादू भी नहीं है, वो बड़ी बेसिक बात है। तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट और नाउन तो खैर नहीं, लेकिन वर्ब अच्छा चैप्टर होता है। फिर भी खैर हम 10 से शुरुआत करेंगे, और 10 से शुरुआत क्यों कर रहे हैं ये तुम लोगों को एक दो क्लास में क्लियर भी हो जाएगा, कि इससे अच्छा कॉम्पिटिशन के लिए अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो कोई दूसरा चैप्टर होता नहीं है। अगर कॉम्पिटिशन के लिए हमें इंग्लिश सीखनी है तो बहुत अच्छा चैप्टर होता है, जो हमारे सिलेबस को देखने का नजरिया हमें देता है, समझ देता है, फाउंडेशन देता है। ठीक है, 10th चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में हम एक मूड पढ़ेंगे, एक कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो कंडीशनल्स टॉपिक होता है ना हमारा, वो भी 10th के यूजेस पे ही बेस्ड होता है। 10th के यूजेस क्लियर होंगे, 10th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कंडीशनल्स क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होंगे तो फिर वो रट्टा मानना पड़ेगा कि इफ में ये लिखा हो तो मेन क्लॉज में ये आएगा, यहां लिखा हो तो वो आएगा, और अगर 10th क्लियर है तो सबको समझ में आएगा, और 10th नहीं क्लियर है तो फिर वो रट्टे मानने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 10th को मैं इस वजह से और पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि जो 10th चैप्टर है ना, ये हमारे कॉम्पिटिशन के सिलेबस की, मैं इंग्लिश की नहीं कह रहा, कॉम्पिटिशन के सिलेबस की बैकबोन है। जो हमारा कंपटीशन का सिलेबस होता है एग्जाम्स में आता है, उसको समझने के लिए टेंस जो होता है ना बैकबोन होता है। जितनी मजबूत ये बैकबोन होगी ना, पूरा सिलेबस उतना ही अच्छा तैयार होगा, क्योंकि ये एक चैप्टर नहीं है, ये 4 चैप्टर्स की फाउंडेशन है। यहां जो तुम सीखोगे, जो क्लैरिटी यहां पे होगी, उतनी ही क्लैरिटी उन सारे टॉपिक्स में, उन सारे चैप्टर्स में रहेगी। और यहां पे अगर चीजें हाथ से स्लिप हो गई या नहीं समझ में आई, तो फिर समझने के चांस वहां भी कमी होंगे। ठीक,